नमस्कार दोस्तों, चमोला द नॉलेज विला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी भारत के 10 ठंडे क्षेत्रों के बारे में। शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। 10वें नंबर पर आता है पश्चिमी सिक्किम। पश्चिमी सिक्किम माउंटेन ट्रैक्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस क्षेत्र का सामान्य तापमान ठंड में लगभग 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 9वें नंबर पर आता है उत्तरी सिक्किम। कंचनजंगा चोटी के पास स्थित उत्तरी सिक्किम भारत के सबसे ठंडे क्षेत्र में से एक है। यहाँ का तापमान कम से कम -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ की कई लोकप्रिय जगह जैसे लाचुंग मठ, जीरो पॉइंट आदि और यहाँ की संस्कृति पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 8वें नंबर पर आता है सेला पास। तवांग जिले में बसा यह सेला पास भारत का सबसे ऊंचा बसा हुआ पास है। यह पास बौद्धिक नगर तवांग को तेजपुर और गुवाहाटी से जोड़ता है। पूरे साल भर बर्फ से ढके रहने के कारण यह ठंड में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। 7वें नंबर पर आता है हेमकुंड साहिब। उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित सिखों का मुख्य तीर्थ स्थान हेमकुंड साहिब भी भारत के सबसे ठंडे क्षेत्र में से एक है। ग्लेशियर की झील से घिरा होने के कारण यह एरिया बहुत ठंडा है। यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को 13 किलोमीटर पैदल चलकर या खच्चर के द्वारा यात्रा करनी पड़ती है। 6वें नंबर पर आता है अमरनाथ। अमरनाथ गुफा हिंदुओं के पवित्र और धार्मिक स्थल में से सबसे ऊपर है। यहाँ पर पहाड़ों से रिसता हुआ पानी नीचे आकर अपने आप बर्फ के शिवलिंग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ का सामान्यता तापमान लगभग 7.5 डिग्री रहा है, जिसके कारण यहाँ भारत का सबसे ठंडे क्षेत्र में से एक है। 5वें नंबर पर आता है रोहतांग। रोहतांग पास भी भारत की सबसे ठंडी जगह में से एक है। मनाली से कुछ ही दूर पर स्थित रोहतांग पास में आपको पूरे साल भर बर्फ देखने को मिलती है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य लोगों को मोहित कर देता है। यह जगह कभी भी होने वाली स्नोफॉल के लिए प्रसिद्ध है। 4वें नंबर पर आता है लेह। भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित लेह पर्यटकों का सबसे मनपसंद पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ पर दूर दूर से लेह की परंपरा और संस्कृति के साथ साथ यहाँ की कई आकर्षक केंद्रों का लुत्फ उठाने आते हैं। 3रे नंबर पर आता है स्पीति। स्पीति का मतलब है मध्य भूमि। यह क्षेत्र भारत के तिब्बत के बीच हिमालय पर्वत पर बसा छोटा सा एरिया है। यह क्षेत्र गर्मी के मौसम में पर्यटकों को सबसे ज्यादा राहत दिलाता है। हिमालय पर्वत पर बसा यह छोटा सा एरिया अपने बौद्धिक संस्कृति के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। 2रे नंबर पर आता है द्रास। द्रास भारत का दूसरा सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर सर्दियों में तापमान -22 डिग्री तक पहुँच जाता है। द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कारगिल के इकलौते नगर द्रास में जमा देने वाली ठंड होती है। 1st नंबर पे है कारगिल। जम्मू कश्मीर को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और व्हाट्सएप पे सबको शेयर करें।